एवरीवन, तो आप सब लोग क्या कर रहे हो? घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हो, वो तो मेरे को भी पता है। तो आज मैं बताने वाली हूँ मैं लॉकडाउन में क्या पसंद करती हूँ। तो चलो बताती हूँ। तो हमारे घर में बहुत सारे रोजेज आए और ये रोज मेरे को बहुत पसंद है। तो अभी तो यहाँ पर धूप नहीं है, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा धूप होता है और धूप के वजह से आपको पता है मेरे को सन टैन हो जाता है। तो सन टैन से बचने के लिए आपको पता है मेरी मम्मी क्या करती है? चलिए दिखाती हूँ। अनिका को धूप में लेकर जाने से पहले या धूप का कांटेक्ट उसके स्किन पर होने से पहले मैं हमेशा ही उसके स्किन पर लगा देती हूँ मम्मा अर्थ का मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन। इसके अंदर है बेस्ट मिनरल जिंक ऑक्साइड, जिसके साथ है SPF 20, जो कि बेस्ट फॉर्म ऑफ सन प्रोटेक्शन है हमारे बच्चों के लिए। इसकी मदद से उनकी जो स्किन है वो प्रोटेक्ट होती है एनी काइंड ऑफ डैमेज फ्रॉम द हार्मफुल UVA एंड UVB सन रेज। और आप तो ये जानते ही होंगे कि ऑल मम्मा अर्थ प्रोडक्ट्स आर केमिकल फ्री एंड ऑल नेचुरल। और अब तो ये भी हो गया है कि द ब्रांड इज़ नाउ ऑफिशियली सर्टिफाइड फ्रॉम PETA एज अ क्रुएल्टी फ्री। और ये तो आप पक्का ही जानते हो, क्योंकि मैं हमेशा बताती हूँ कि मम्मा अर्थ इज़ अ प्लास्टिक पॉजिटिव, दे रिसाइकल मोर प्लास्टिक दैन दे यूज़। तो सर्टिफाइड टॉक्सिन फ्री है, हाइपोएलर्जिक है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, नेचुरल से इसकी फ्रेग्रेंस है, इसे लगाना काफ़ी आसान है। 0 से 10 साल के बच्चे इसे आराम से लगा सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो स्किन है अच्छी रहेगी सूरज की किरणों के नीचे जाने के बाद भी, डैमेज नहीं होगी। अगर आप सोच रहे हो कि कहाँ मिलेगा, ये अवेलेबल है Amazon पर, फर्स्ट क्राई पर, और जो मम्मा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको ये डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा। तो सारे लिंक्स तो मैंने नीचे मेंशन कर दिए, प्लस कूपन कोड भी मेंशन कर दिया है, जिसे इस्तेमाल करेंगे आप मम्मा अर्थ के ऑफिशियल वेबसाइट पर तो 20% ऑफ आपको मिल जाएगा। सो मम्मा अर्थ, Amazon और फर्स्ट क्राई, तीनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, चेक ज़रूर करिएगा। और हाँ, ये सनस्क्रीन एक बार अपने बच्चे के लिए इस्तेमाल करके देखिए, आप खुद बोलेंगे कि हाँ आप सही चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उनके स्किन पर। तो मैं आपको बताने वाली हूँ वाटरमेलन प्लांट की स्टोरी। तो क्या हुआ था, हमारे घर में बड़ा सा वाटरमेलन आया था, तो मम्मी ने मेरे को वाटरमेलन काट कर दिया, तो उनमें से थोड़े बहुत सीड्स निकले, तो सीड्स से मैंने मिट्टी में लगाया सीड्स, उसके बाद उसको दबाया जिससे सीड्स अच्छे से वो रहे मॉइस्चराइज, और फिर मैंने थोड़ा बहुत पानी डाला 2 दिन या 4-5 दिन, और उसके बाद मेरा प्लांट इतना बढ़ गया। अच्छा है ना मेरा प्लांट? अगर अच्छा है इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं वेट कर रही हूँ कि वाटरमेलन प्लांट कब बड़ा होएगा, और मैं फिर वो बड़ा होएगा तो उसमें वाटरमेलन आएंगे छोटे छोटे, फिर बड़े होएंगे तो उनमें से मैं खाऊंगी, जूस बनाऊंगी, बहुत कुछ करूंगी। और हाँ, मेरे टी शर्ट में भी वाटरमेलन बने हैं। वैसे गर्मियों में मेरे को वाटरमेलन खाना बहुत अच्छा लगता है। तो आप कमेंट करके बताना कि आपने कौन सा प्लांट का सीड लगाया है, मैं भी उसे लगाना चाहूंगी, इसलिए जल्दी जल्दी बताओ। रात में जब भी मैं AC में सोती हूँ, जब भी सुबह उठती हूँ, इतना पानी रहता है मेरे बाल्टी में, तो मैं सोचती हूँ क्या करूँ इससे, तो मैं बोलती हूँ पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो मैं इसलिए ये पानी पौधों में डालती हूँ रोज सुबह उठकर। एनर्जी मिलती है, वैसे प्लांट्स को सनलाइट और वाटर से एनर्जी मिलती है, इसलिए मैं प्लांट्स को खूब सारा सनलाइट दिखाती हूँ और भरपूर पानी भी देती हूँ, और मुझे प्लांट्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। आप भी प्लांट्स को बहुत सारा प्यार करो और वो आपको लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज देंगे। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, सारे प्लांट्स को ऐसे ही प्यार देना। Thank you.